कैसे हो आप सभी। आई जस्ट होप आप सभी एकदम अच्छे अच्छे होंगे। सो टुडे इज न्यू वीडियो मेरे चैनल पे। ये फर्स्ट वीडियो है मीशो हॉल की, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जो कि मैं बार बार अपने प्रोडक्टिव वीडियोस में भी बोलती हूँ, जो भी मैं सेल करती नहीं हूँ, बस आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने ये पीसेज लिए हैं। कुर्ता सेट है, कुर्ता है, नाइट वेयर भी है इसमें, प्लाजो भी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी जरूरत चाहिए होती है वुमेंस को, गर्ल्स को, अपने डेली बेस के लिए या कहीं आने जाने के लिए। फेस्टिव आ रहे हैं, शादी सीजन भी आने वाला है, तो बहुत ही चीज़ें चाहिए होती हैं ना, तो वो मैं सब कुछ शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ा फटाफट से जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको फैशन से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहें। तो चलिए वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं। सारे पीसेस दिखाने के इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि इतने प्यारे प्यारे पीस, इतना फुल सेट, मतलब पूरा कंप्लीट सेट भी मेरे को इतने अफोर्डेबल प्राइस में, इतने रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। फैब्रिक से लेके, क्वालिटी से लेके, फैब्रिक हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। पहली बार मैंने कुछ मंगाया है, और एक चीज़ मंगाई थी मैंने, उसको देख के मैंने दो तीन चीज़ें और मंगाती गई, मतलब पांच सात चीज़ें मैंने मंगा ली, और सारी चीज़ें मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई हैं, और सबका मटेरियल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, फैब्रिक क्वालिटी सारी एकदम वेल एंड गुड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबकी जितने भी मैं पीसेस दिखाऊंगी उनकी साइड में मैं क्लिप डाल दूंगी, बाकी मैं सारा स्क्रीनशॉट जो मैंने परचेस किया है उसका पेज मैं स्क्रीनशॉट लेके साइड में वो भी डाल दूंगी, और प्राइस भी मैं साथ के साथ स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी। तो चलिए फर्स्ट दिखाते हैं। फर्स्ट है मेरा ये फुल कम्प्लीट सेट, जो कि अनारकली स्टाइल में है, अनारकली कुर्ता विद बॉटम विद दुपट्टा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपर वेयर से, यानी कि अपर कुर्ती से, कुर्ता या कुर्ती बोलते हैं इसको, ट्राई ऑन है वो आपको साइड में दिख जाएगा कि वेयर अप करके कैसा लगता है, वो साइड में आपको पता चल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो उसकी डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, यहाँ से ये गोटा पट्टी का डिटेलिंग दी हुई है साइड में, पूरे कुर्ते में फ्लोरल प्रिंट है, और मैं आपको बता दूँ ये पूरा ही जो इसका जो फैब्रिक है, पूरे कंप्लीट सूट जो है पूरा प्योर कॉटन में है, समर के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा एप्रिकेट है ये, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है समर के लिए, क्योंकि समर में तो हमें ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं कॉटन ही हमें मिल जाए, और प्योर कॉटन तो बहुत ही अच्छी है। नीचे ये जो क्रोशिया का जो वर्क होता है ना, उसकी डिटेलिंग दी हुई है, 3/4 इसकी स्लिप्स है, और जिसका जो कलर है वो डार्क पीच कलर जो होता है ना, वो कलर है, हर स्किन टोन के ऊपर जाएगा, कोई भी स्किन टोन वाला इसे वेयर कर सकता है, सबके ऊपर ही बहुत ही प्यारा लुक देगा, बहुत ही अच्छा लुक देगा, मतलब हर स्किन टोन इसको वेयर कर सकता है। लगा मुझे इसका जो नीचे का था ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, समर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि पसीना ऑब्जर्व हो जाता है, गर्मी लगती है, तो थोड़ी हवा पास होनी बहुत ज़रूरी होती है हम लोगों को, तो कॉटन हम ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं गर्मियों में, तो ये प्योर कॉटन है। तो इसका जो भी है ट्राई ऑन आप साइड में देख लेना। इसका जो दुपट्टा है वो जो वायरल टाइप का आता है ना, मेरे को याद है जब मेरी दादी, हम छोटे छोटे थे तो मेरी दादी मम्मी भी अभी भी वाल पहनती है, जब गांव वगैरह जाती है, अपने ससुराल जाती है, तो ऐसी वाल टाइप की, क्योंकि ये सर के ऊपर से ना खिसकती नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है, तो चाहिए होता है हम लोगों को भी घर में चाहिए होता है, क्योंकि गर्मी का टाइम होता है तो हमें फटाफट से हैंकी नहीं मिलता, किचन में काम करते तो फटाफट से पहुँचने के लिए चाहिए, पहुँचना तो नहीं चाहिए बट फिर भी होता है ना कि गर्मी लग रही होती है तो एकदम से, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर भी इसका सेम कुर्ते में जो प्रिंट दिया हुआ है फ्लोरल प्रिंट, वो यहाँ पर साइड में नीचे दिया हुआ है, सेम मिलता है बॉटम, बॉटम की लेंथ थोड़ी सी मेरे को छोटी थी, आई थिंक इसकी 38 लेंथ है, और मुझे आता है 39 के करीब, 40 के करीब, बट कोई नहीं, अब सबकी लेंथ के हिसाब से तो नहीं मिलेगा ना, तो मैंने इसका साइज़ जो है मीडियम बाय किया, क्योंकि अगर मैं स्मॉल लेती तो मुझे ये पजामा छोटा हो जाता, और जो मेरा साइज़ है वो स्मॉल है, बट मैंने मीडियम लिया, पर मीडियम भी मुझे ठीक है, अच्छा आया। तो ये इसका नीचे से ये प्लाजो है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी स्किन फिटेड नहीं है, अपने घर के सारे काम इसको पहन के कर सकते हो, कॉटन है तो भी कर सकते हो, कंफर्टेबल है इसका प्लाजो तो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये इलास्टिक है, फुली इलास्टिक है, बैक से भी फ्रंट से भी, तो फुली इलास्टिक है, साइड में यहाँ पर पॉकेट भी दी गई है, एक साइड में पॉकेट है, दोनों साइड में पॉकेट नहीं है, तो काफ़ी अच्छी देता है इसकी पॉकेट की, ठीक है, तो आप कुछ भी इसमें हल्का फुल्का कैरी कर सकते हो, तो एक साइड की पॉकेट है, और यहाँ पे साइज़ भी मेंशन है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मैंने वाइट वाले
प्लाजो के साथ भी वेयर किया है। जो प्लाजो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ ट्राई ऑन में, वो प्लाजो मैंने मीशो से ही परचेज़ किया है बाय वन गेट वन के साथ 300 में। मेरे को वो दो प्लाजो मैं भी आपको बाद में दिखाऊंगी, बट इस सूट के साथ मैंने उस प्लाजो को भी वेयर किया है। तो आप कुछ इस टाइप का भी वेयर कर सकते हो मिक्स एंड मैच करके। कंट्रास्ट का टाइम चल रहा है तो कंट्रास्ट में तो आप कुछ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो इस टाइप का पैंट पहन सकते हो, अगर आप चाहो तो वाइट कलर का ऐसे प्लाजो डाल सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पीस की तरफ। पहले मैं आपको पूरा कंप्लीट सेट दिखा देती हूँ जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। तो उसके बाद आते हैं बहुत ही प्यारे से सुंदर से सूट में। इसको लेके तो मेरा दिल खुश हो गया यार, मैं खुश हो गई, मैं क्या बताऊँ। तो ये वाइन कलर का शेड में ये पूरा कंप्लीट सेट है। इसके साथ बॉटम है, इसके साथ दुपट्टा है, और प्राइस का आप नहीं मानोगे। स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा देती हूँ। इसमें और भी कलर अवेलेबल है और ये मोस्ट ट्रेंडिंग पीस है। आप इसको बहुत जगह पहने देखोगे तो मोस्ट ट्रेंडिंग पीस है ये। आपने देखा भी होगा रील्स में भी इसको पहना है, पॉपुलर क्रिएटर्स है उन्होंने भी पहना है, मैंने बहुतों को देखा है। तो मुझे ये मीशो में पता नहीं एकदम से रेंडमली दिख गया, तो मैंने तो बस परचेज कर लिया। मुझे वाइन कलर चाहिए था इसलिए मैंने वाइन लिया, लेकिन इसमें रेड कलर मतलब 8, 4 to 5 ऐसे कलर थे इसमें। तो आपको जो भी कलर चाहिए आप ले सकते हो। तो चलिए फटाफट दिखाते हैं। तो काफ़ी सुंदर जॉर्जेट फैब्रिक में है। जॉर्जेट में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, जॉर्जेट मुझे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जॉर्जेट आप जहाँ भी जाओ जैसे भी जाओ पहनो बैठो कैसे भी करो तो एज इट इज़ वैसे ही रहता है। कॉटन में क्या होता है ना, अगर आपने कॉटन का कोई भी सूट पहना है तो वो मुड़ जाता है, तो बार बार तो आयरन नहीं कर सकते वो पहन के, तो इसलिए क्या करोगे। तो उसको तो आयरन की जरूरत पड़ती है, बट इसको आयरन की जरूरत नहीं पड़ती। और जो भी मैं आपको ये दिखा रही हूँ ना कुर्ता, और जो भी मैं आपको वेयर करके दिखा रही हूँ, ये सारे मैं पहन चुकी हूँ क्योंकि एक बार पहन के मैं कभी कहीं गई थी। इसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, मतलब 10 से 12 दिन में मैंने ये कपड़े सारे पहन लिए बस। तो ये वॉश के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ट्राई ऑन में भी और यहाँ पर भी। तो आप देख सकते हो कि वॉश के बाद भी एज इट इज़ वैसा ही है। बाकी आप इसके साइड पर जाओगे तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो कुछ इस टाइप का ए लाइन का कुर्ता है, ये कम्प्लीट सेट है, ये ए लाइन का कुर्ता है। और इसमें ये आप देख सकते हो जरी वर्क किया हुआ है गोल्डन, और ये वाइट कलर का थ्रेड वर्क है, सेल्फ थ्रेड वर्क किया हुआ है, बिल्कुल फाइन सा वर्क है, कोई भी एक्स्ट्रा थ्रेड नहीं निकला हुआ है, अंदर से भी कोई भी सी थ्रू नहीं है, तो कोई कुछ भी ट्रांजिट नहीं होगा। काफ़ी सॉफ्ट और अच्छा मतलब रिच मटेरियल लिया हुआ है इसमें, फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप किसी भी हाईली ब्रांड के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो, कोई भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है फैब्रिक को देखिए। काफ़ी सॉफ्ट और जोरदार फैब्रिक है, वो चुभने वाला फैब्रिक नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। और इसका जो प्राइस है बहुत ही कम है, वो मैं आपको मेंशन करके दिखाई दिया था। इतना कम प्राइस में इतना अच्छा पीस पूरा कंप्लीट सेट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो भी कलर ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पर ये गैदरिंग दी हुई है, ये आप देख सकते हो प्लेट्स दी हुई है, काफ़ी प्लेट में है ये, ठीक है। ये इसका फ्रंट है, और इसकी जो स्लीव्स है ये 3/4 तो नहीं कहेंगे, क्वार्टर भी नहीं कहेंगे, इससे जो होती है थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो 3/4 नहीं है, यहाँ तक आएगी, आप पिक्चर्स में देख लेना। और यहाँ से बैक से ये सॉलिड में है, ठीक। और इसके अंदर इनर भी दिया हुआ है, मतलब लाइन जो होती है ना लाइनिंग, वो भी दी हुई है। और जो ये इसका जो लाइनिंग है ना वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। तो कुछ भी मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप कोई भी ओरेलिया डब्लू जो भी एथनिक वेयर के भी ब्रांड होते हैं उनसे कंपेयर कर सकते हो, और इतने कम प्राइस में। अगर मैं सोच रही थी कि अगर मैं ये इन ब्रांड से लेती तो पता नहीं 4-5 हज़ार से, एटलीस्ट 3-4 हज़ार से बीच के कम का नहीं मिलता ये पूरा कंप्लीट सेट। अंडर 600 में मिलना इतना मुश्किल होता है यार, कोई भी कुर्ता भी नहीं मिलता है, ये तो कंप्लीट सेट मिल गया, वो भी जोरजट में, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये इसका कुर्ता है, ट्राई ऑन में आपको इसका पूरा पता चल जाएगा कि कैसा वेयर करता है, वेयर करके कैसा लगता है। और इसी में ये प्लाजो मिलता है, इसको प्लाजो तो नहीं कहेंगे, पैंट स्टाइल है ये, नीचे से ये नैरो फिट है, थोड़ा सा ये आपको लैगिंग का लुक देगा, बट लैगिंग जो होती है ना वो बिल्कुल स्किन फिटेड होती है, वो स्किन फिटेड नहीं है ये। तो इसको आप कंफर्टेबली पहन सकते हो, पूरे दिन आप पहन के कोई भी अपने घर के काम कर सकते हो, आराम से इधर उधर बैठ सकते हो, तो टाइट बिल्कुल भी नहीं। फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, सॉलिड कलर में है, और वाइन कलर तो बहुत ही ज़्यादा आजकल चल रहा है और हर स्किन टोन में चला जाता है। फुली इलास्टिक है, ठीक है। जो इसकी जो गैदरिंग है ना यहाँ से, आपका अगर हल्का फुल्का भी टमी है, मैं पहले वाले में भी बोल रही थी, तो आपका टमी बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो ऐसे गैदरिंग वाले जो फ्लेयर वाले जो कुर्ते होते हैं ना, तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं पहनने में। और इसका जो दुपट्टा है सेम सॉलिड कलर में है, सॉलिड शेड में, सेम वाइन कलर दुपट्टा भी, फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही लाइटली वेट है।
इतने कम प्राइस में इतना मिलना बहुत मुश्किल है। तो चलिए चलते हैं थर्ड पीस की तरफ। अगेन मेहरून जॉर्जेट में, जॉर्जेट मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है, मैं बस जॉर्जेट ही प्रेफर करती हूँ। तो जॉर्जेट का ये पूरा कंप्लीट सूट है और इसमें आपको दुपट्टा बॉटम मतलब प्लाजो मिलता है। इसके साथ ही मैंने प्लाजो पिक किया है क्योंकि मैं चाह रही थी कुछ डिफरेंट लेना। तो आप चलिए इसको दिखाते हैं, इसका ट्रायल भी आपको साइड में दिख जाएगा। इसका जो कुर्ता है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये जो आपको कलर मुझे नहीं पता एग्जैक्ट आपको वीडियो में क्या दिख रहा होगा, बट ये मेहरून कलर है। ये कम्प्लीट सूट इतने कम प्राइस में मिलना इम्पॉसिबल यार, इम्पॉसिबल। तो ये जो वर्क है आप देख सकते हो काफ़ी हाईली रिकमेंड होता है आजकल, ये वर्क बहुत चल रहा है। ये पाइपिंग का बीट्स वर्क जो होता है, इस टाइप का ये वर्क किया हुआ है, बिल्कुल फाइन वर्क है, कोई भी कहीं से भी कोई डिफेक्ट नहीं है। अंदर से भी बिल्कुल ये कंफर्टेबली है, कपड़ा लगाया हुआ है तो बिल्कुल भी चुभेगा नहीं आपको। इनर है इसके अंदर तो बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं होगा, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, जॉर्जेट है, सॉफ्ट वाला जॉर्जेट जो होता है ना वो जॉर्जेट इसमें यूज़ किया हुआ है। नीचे से ये स्ट्रेट फिट में ये कुर्ता है, अंदर से इनर दिया हुआ, और पूरा आप इसका ओवरऑल आप वीडियो करके देखना चाहते हो तो आप साइड में पिक्चर लगी हुई है, वीडियो देख लेना। इसके अंदर नीट एंड थीन वाला फैब्रिक दिया हुआ है तो आपको बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। साथ में है ये स्लीव्स, यहाँ पर ये फ्लेयर वाली स्लीव्स होती है जो अम्ब्रेला स्लीव्स होती हैं। इसका जो प्लाजो है वो भी जॉर्जेट में ही है और अंदर भी इसमें इनर लगा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं होगा, ट्रांसलेट नहीं हो सकती हो, ट्राई ऑन में आपको पता चल जाएगा। अंदर से आपको इसका फैब्रिक भी दिख रहा होगा जो इसका इनर है जो कि नीचे लटक गया है, ये देख सकते हो। और जो सिफोन मिक्स जो होता है ना फैब्रिक, वो है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ किया है इस पर। फैब्रिक में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, काफ़ी अच्छा है और फुली इलास्टिक है। फिट बहुत अच्छा है, फिट की तो बस बात ही क्या कहें, फिट बहुत अच्छा है। सॉलिड शेड में दुपट्टा मिल जाता है जिसकी लेंथ और वर्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेंथ और वर्थ बहुत अच्छी है और दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट सिफॉन और जॉर्जेट का मिक्सअप, बहुत ही सॉफ्ट, ठंडा है बिल्कुल। तो चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पीस की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन जो फैब्रिक है उसमें थोड़ा सा हमें लगता है ना, हम सोचते हैं कि जो पॉलिस्टर वाला एक कपड़ा आता है वो भी सिल्क कॉटन जैसा ही होता है, लेकिन पॉलिस्टर वाला कपड़ा जो होता है ना उसमें ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ये है सिल्क कॉटन, तो कपड़ा आपको थोड़ा सा देखने में ऐसा लगेगा बट बहुत ही कम्फर्टेबल है। इसका कलर है वो ब्लू टिंट कलर जो होता है ना, वो कलर है, ब्लू नहीं कहेंगे इसको, ब्लू टिंट कलर जो होता है ना थोड़ा सा डार्किश में, वो कलर है इसका। इस तरह की डिटेलिंग दी हुई है, गोल्डन कलर की जरी वाली जो डिटेलिंग होती है वो दी गई है बिल्कुल स्ट्रेट में। आजकल वो चूड़ीदार वाली जो बाजू नहीं होती वो बाजू है इसकी, चूड़ीदार वाली, तो काफ़ी नीचे तक है तो मतलब चूड़ी चूड़ीदार वाली बाजू आएगी ये। और टिच बटन भी दिए हुए हैं यहाँ पे तो फंसेगा नहीं, तो एक साइड में टिच बटन दिए, दूसरे में पता नहीं मुझे समझ नहीं आया था कि उन्होंने दूसरे में क्यों नहीं दिया। तो इसमें नहीं दिया है, इस वाले हाथ में लेफ्ट हैंड में नहीं दिया है, राइट हैंड में एक ये टिच बटन दिया हुआ है यहाँ पर। बाकी वेयरअप करके आपको पता चल जाएगा ट्राई ऑन में कि कैसा लगता है ये। तो इसलिए इसका फ्रंट है और इसको ए लाइन कुर्ता है ये, ठीक है। तो मेरी हाइट के हिसाब से तो ये मेरे घुटनों से नीचे आ रहा है और जो मेरे से छोटे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये काफ़ी लॉन्ग होगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप इसको प्लाजो के साथ पहन सकते हो, आप इसको पैंट के साथ पहन सकते हो। पैंट इसके साथ नहीं है, बॉटम इसके साथ नहीं आया था, इसके साथ दुपट्टा आया था और ये कुर्ता था। फ्लेयर वाले कुर्ते मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं फ्लेयर वाले कुर्ते। ये इसका बैक है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि जो मीशो है कोई भी आप प्रोडक्ट ले, शिपिंग चार्जेस फ्री होती है तो आप आराम से ले सकते हो, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो इसका जो दुपट्टा है वो ज़्यादा मुझे दुपट्टा ज़्यादा ग्रेसफुल लगा, दुपट्टे से ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई मैं कुर्ते से ज़्यादा। तो इसका जो दुपट्टा है कोलर प्रिंट है काफ़ी ज़्यादा। मैंने ना ऐसा ना कुछ सीरियल, आजकल जो मैं सीरियल देख रही हूँ ना कुमकुम भाग्य, उसमें ना ऐसी साड़ी चल रही होती है, ऐसे जॉर्जेट सिफॉन में साड़ी होती हैं जो ऐसे प्रिंट होते हैं जिनमें फ्लोरल प्रिंट होते हैं। तो मेरा एकदम से ना बस दिमाग में चढ़ गया कि कुछ ऐसा मिल जाता, तो मुझे तो ये दुपट्टा ही मिल गया, तो मैंने यही सोचा। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर डिटेलिंग दी हुई है, एक पट्टी दी हुई है गोटा पट्टी, ठीक है। और साइड में यहाँ पर, हाँ, एक साइड के कॉर्नर में यहाँ पर और एक साइड के कॉर्नर में यहाँ पर ये टैशन दिए हुए हैं जो कि थ्रेड वाले हैं, इस तरह के स्टिचिंग किए हुए हैं ये टैशन, ठीक है।
और काफ़ी सुंदर है। बाकी आप इसका ट्रायल एंड साइड में देख लेना और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। प्राइस में यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ तो आप सोचते रह जाओगे इतने कम प्राइस में। आप इसको रेड प्लाजो के साथ वेयर करना, क्योंकि वहाँ पर जब मैंने मीशो में देखा था तो वहाँ रेड प्लाजो के साथ इसको वेयर किया था। बाकी हम अपनी चॉइस के हिसाब से है कि आप पैंट के साथ पहनना चाहते हो, प्लाजो के साथ पहनना चाहते हो, कलर इसमें रेड जाएगा। बाकी आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अगर सेम कलर का लेना चाहते हो तो सेम कलर का ले लो, बट मेरे चॉइस के हिसाब से तो रेड ही अच्छा लगेगा। अगर आप मैं रिकमेंड करूँ तो बहुत अच्छा है ये वाला सूट, अगर आप लेना चाहो इतने कम प्राइस में। और जो कंट्रास्ट मिक्स एंड मैच का जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा चलो ना तो बहुत अच्छा है। तो चलिए अब आते हैं नाइट वेयर की तरफ। नाइट वेयर मैं साटन बहुत टाइम से सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि अभी गर्मियाँ थोड़ी सी ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा विंटर का सीज़न आ जाए, तो सैटिन जो होता है ना वो थोड़ा सा गर्मियों में इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा विंटर क्लोज आ जाए उसके बाद सैटिन लेंगे। बट मैंने जब ये फैब्रिक ये पीस जब मेरे हाथ में डिलीवर हुए तो मैंने सोचा क्यों भाई, इतना अच्छा तो है फैब्रिक, उसको समर में भी पहन सकते हैं और साटन तो गर्मियों में पहनते भी हैं लोग, बहुत लोग पहनते हैं, बट मैं नहीं पहनती थी, मैं प्रेफर नहीं करती थी, फिर मैंने सोचा चलो मंगा लेते हैं। लेकिन अच्छा है, कपड़ा ठंडा है, इसको समर में भी पहन सकते हो, विंटर में भी पहन सकते हो। ट्राय ऑन में साइड में लगा दूँगी, थंबनेल में भी आपने देखा होगा, पता नहीं मैं थंबनेल में लगाऊँगी। तो ये इस टाइप का बॉटम और टॉप और बॉटम मिल जाता है, तो फिर खासी हो गई कि जो कोड है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो लिंक तो इनका कुछ ऐसा मिलता नहीं है, तो आप कोड वहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लेना और इनका जो भी है मतलब पूरा डिटेल आ जाएगा वहाँ पर, एक एक पीस का वहाँ पर कोड देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सब कुछ मेंशन कर दूँगी, तो आप जाके ज़रूर चेकआउट कर लें। तो चलिए ये है ऊपर का बॉटम कह रही हूँ टॉप, तो ये आपको थोड़ा सा ट्रांजी दिख रहा होगा क्योंकि जो सेटिंग होता है वो थोड़ा सा ट्रांजी होता है, बट आप इसको वेयर करोगे तो ट्रांजी ऐसे नहीं दिखेगा, आप ये देख सकते हो। ट्राय ऑन साइड में देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो ओपन बटन है ये, ठीक है, हाफ स्लीव्स है ये, इसमें और भी शेड हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी मैंने दो जो नाइट वेयर लिए हैं ये कॉम्बो में लिए हैं मैंने, तो इसका प्राइस भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो प्राइस बहुत कम है। तो इसमें और भी प्रिंट हैं और एक आपको मिलेगा प्लेन, एक आपको मिलेगा प्रिंट, तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन बना के दिया है। मैं चाह रही थी प्रिंट वाले लेकिन मेरे को मिले ही नहीं, मैंने कितना ढूंढा, एक प्लेन और एक प्रिंट ऐसे ही मिल रहा था, या प्लेन या प्रिंट या प्रिंट या प्लेन ऐसे करके मिल रहा था। तो जो इसके दो तरह के मतलब दो कोड हैं, इसके दो तरह के लिंक दिए हुए हैं इसके, कि एक जगह पे मतलब सेम कलर प्रिंट सेम होगा, बट पता नहीं थोड़ा सा प्राइस का ना 20-30 का ना ऊपर नीचे चल रहा था, और साइज़ का ऊपर नीचे इसलिए चल रहा था, मुझे जो बॉटम चाहिए था, मुझे चाहिए था 40 की लेंथ का मेरी हाइट के हिसाब से, और जिस साइड पे ज़्यादा कलर ऑप्शन मुझे मिल रहे थे, जिस कलर ऑप्शन और प्रिंट मिल रहे थे वहाँ पे, जो लेंथ थी बॉटम की वो थी 38, उससे ज़्यादा ऊपर क्रॉस नहीं थी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के दो दिन लगे मुझे करके, इसी सेम प्रिंट में सेम कलर में मुझे जाके 40 लेंथ में ये बॉटम मिला, और इसमें सिर्फ 4 या 5 कलर ऑप्शन ही थे, बाकी जो 38 जो बॉटम की जो लेंथ थी उसमें कम से कम 8-10 कलर प्रिंट थे। तो अगर आप चाहो तो उसका भी लिंक मैं कोड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ चेक कर लेना। और इस पे जाना है अगर आपको 40 लेंथ वाला बॉटम चाहिए तो वो भी दे दूंगी, आप वहाँ चेक कर लेना, ठीक है। इसका जो बॉटम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कंफर्टेबली आप इसको समर में भी पहन सकते हो। एक ये लाइनिंग दी हुई है सेम जो यहाँ पर फ्रंट में और बाजू में दी गई है, तो यहाँ पर है और काफ़ी ज़्यादा खुला खुला है, इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं है, स्किन फिटेड नहीं है, कंफर्टेबली आप इसको रात को आराम से पहन सकते हो, पूरा दिन भी आप आराम से पहन सकते हो। आप इसको बाहर जैसे सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो भी ले जा सकते हो, कंफर्टेबल है, कपड़ा काफ़ी अच्छा है, कलर ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे, आप साइड पर जाना। सेकंड है जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया वो आया मेरे को ये वाला, मेरा मुझे दोनों प्रिंट ही चाहिए थे बट मुझे नहीं मिले प्रिंट वाले, कोई बात नहीं, एक प्लेन हो गया एक प्रिंट वाला हो गया, तो ये मेरी सासू माँ को भी बहुत पसंद आया। इसका जो प्रिंट है ना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, इसका प्रिंट डिजिटल प्रिंट जो होता है ना पिकॉक प्रिंट, ये ज़्यादा मुझे पसंद आया। ट्राय ऑन आप साइड में देख लेना, तो बाकी सब कुछ सेम है दोनों में, ये पाइपिंग है दोनों का सेम साइज़ मैंने लिया है। और इसमें मैं आपको बता दूँ, जो मैंने ये वाला पिक किया है ना 40 लेंथ का बॉटम वाला, इसमें ना फ्री साइज़ ही अवेलेबल है, और फ्री साइज़ जो है ना थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है, बट उसको मतलब एक्सल वाले और लार्ज वाले भी नहीं पहन सकते, नहीं हाँ एक्सल वाले नहीं पहन सकते, लार्ज वाले पहन सकते हैं, जो जैसे कि मेरे को मीडियम आया है इसमें, फ्री साइज़ में मीडियम साइज़ का मेरे को लगा ये, ठीक है, तो फ्री साइज़ में जो ये मेरे को लगता है कि लास्ट साइज़ तक ही होता है फ्री साइज़, उसके बाद एक्सल वाले इसको नहीं पहन सकते हैं। अगर आपको एक्सल साइज़ में या डबल एक्सल साइज़ में चाहिए तो उसका कोड में भी डाल दूँगी, सेम कलर होगा, सेम फैब्रिक होगा, सेम प्रिंट होगा, बस उसका बॉटम 38 होगा,
तो वहाँ पे आपको कलर मतलब कलर ऑप्शन के साथ साथ आपको साइजेस मिल जाएंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरी बात को, तो दोनों चीज़ें मैं मेंशन कर दूँगी, ठीक है। तो ये जो पिकॉक प्रिंट है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा मुझे ऐसे करके, ठीक है। बाकी आप इसका ट्राई ऑन देख लेना। और इसका जो बॉटम है सेम जो कि टॉप में दिया हुआ है इसके टी शर्ट्स में, शर्ट टी शर्ट्स में वैसे ही सेम प्रिंट ऐसे दिया हुआ है, रेड कलर का है ये, ठीक है। पता नहीं वीडियो में क्या कलर दिख रहा होगा, मैरून दिख रहा होगा आई थिंक, मुझे पता है। तो ये सेम प्रिंट दिया हुआ है, डिजिटल प्रिंट है, पिकॉक प्रिंट। बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत ही कंफर्टेबल है, और प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब चलते हैं प्लाजो की तरफ। प्लाजो का मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट कुर्ता जो मैंने डाला था, नारकली कुर्ता पीच वाला, उसके साथ मैंने प्लाजो भी वेयर करके दिखाया था वाइट वाला। तो वो प्लाजो, ये दोनों प्लाजो मैंने लिए थे 299 में, 300 में मैंने ये दोनों प्लाजो लिए, यानी कि 150 का प्लाजो, क्या बोल रही हूँ मैं, 150 की प्लाजो। अगर आप मार्केट में भी जाते हो ना, लोकल मार्केट में जाते हो, तो नहीं मिलता भैया 150 का प्लाजो। मैंने देखा है अपने हमारे यहाँ पे नजरगढ़ जो मार्केट है ना, वहाँ भी नहीं मिलता 150 का प्लाजो, 250 का बोलते हैं सीधा स्टार्टिंग, ठीक है। मुझे तो नहीं मिलता, पता नहीं आप सबको मिल जाता होगा तो पता नहीं, बट ये मुझे 299 में दोनों मिल गए। वहाँ पे कलर ऑप्शन भी थे उसका, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ और भी कलर ऑप्शन थे, ब्लू वाइट ब्लैक जो भी आपको चाहिए, हाँ, लेकिन मिलेंगे दोनों कॉम्बो में। तो ऐसे मिलकर मतलब वहाँ पे मिल जाता है आपको जो भी चाहिए होता है ना, ऐसे आपको रेड के साथ वाइट चाहिए, रेड के साथ ब्लू चाहिए, पिंक के साथ ब्लू चाहिए, इस तरह के ऑप्शन आपको आपस में कॉम्बो करके मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाइट है, वाइट मैंने आपको देख करके दिखाया था, ये रेड वाला मैंने ब्लू वाले के साथ डाला था जो कि इस वाले का था, पिक्चर्स में साइड में डाल दूँगी, इसके साथ मैंने डाला था ये रेड वाला, ठीक है। क्योंकि मेरे को जो प्लाजो चाहिए था ना, मेरा वाला प्लाजो रही है उनका जो थोड़ा सा फेड हो गया था, तो मेरे को चाहिए ही था, तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ ढूंढा जो मुझे कम प्राइस में मिल जाए, और जिसका कलर है ये ऑफ वाइट है, वाइट नहीं है, ऑफ वाइट है, ठीक है। तो या टुडेज़ वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये सारे भी मीशो हॉल लेके आई, एक महीना लगा है मुझे बस, मैंने एक महीने में पूरा ब्राउज करके एकदम से मैंने सारे ये पीस पिक किए हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आए होगी, अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ इन कलेक्शन पे आप जाना और देखना कि कैसा लगे आपको। और मीशो एक बेस्ट सेलिंग ऐप है, इंडिया का बेस्ट सेलिंग ऐप है, तो आप जा सकते हो उसके साथ में। मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ तो मुझे सारे ही प्रोडक्ट, सारे कलेक्शन बहुत अच्छा लगा, और मटेरियल से, फैब्रिक से, क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, सब अच्छा है। हम जो सोचते हैं बस ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि आपको अच्छे से उसके रेटिंग रिव्यू देखना है, अच्छे से सर्च आउट करना है, उसके बाद ही लेना है, बस सर्च आउट करना है, रेटिंग रिव्यू देख के ही लेना है। आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिल जाएगा अपने छोटे से चैनल की ग्रोथ के लिए। तो आप अपनी फैमिली में और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ न्यू क्रिएटिविटी के साथ न्यू ब्लॉग में और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं। Love you all. See you soon. Bye-bye.